अरे भाई ये ट्रेन में जर्नी करते करते तो मेरा गला सूख गया यार, मेरा कुछ पीने का मन कर रहा है यार। एंड गाइस मेरे पास यार पानी तो है यार, बट मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है यार, एंड वो मेरे पास है नहीं यार। तो अभी थोड़ा सा हम पेंट्री कार में चलते हैं एंड देखते हैं भाई कि वहां पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह की कितनी वेरायटी है, क्योंकि मेरा तो भाई मन कर रहा है यार कोल्ड ड्रिंक पीने का। तो अभी हम चलेंगे। वैसे ये फर्स्ट क्लास का नजारा देख लो यार, आज मैं इसी में जर्नी कर रहा था एंड ये तो तुम्हें बॉटल दिखाई दे रही है उसमें वाटर है यार, एंड मेरा वाटर पीने का बिल्कुल भी मन नहीं यार, मेरा तो कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है। तो चलिए गाइस अभी हम पेंट्री कार में चलते हैं एंड देखते हैं भाई वहां पर कोई कौन सी अच्छी अच्छी वेरायटी की हमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह देखने को मिलती है एंड फिर हम उसे बाय करते हैं यार। हाँ तो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ पेंट्री कार में एंड ये देखो भाई पूरा रेफ्रिजरेटर सामने लगा हुआ है। तो एक काम करता हूँ गाइस, मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कौन कौन सी कोल्ड ड्रिंक है। अरे वाह भैया ये कोको कोला दे दो यार, कितने का है? 30। लो भाई। अरे भाई अरे मेरा वॉलेट कहाँ चला गया यार? अरे भाई लगता है मेरी सीट पर ही गिर गया गाइस। एक काम करते हैं गाइस अपने फर्स्ट क्लास में चलते हैं क्योंकि मेरा वॉलेट लगता है वहीं छूट गया यार। तो चलो गाइस अभी हम सीट पर देखते हैं। हाँ तो गाइस यहाँ पर मैं सीट पर आ चुका हूँ एंड मैं जल्दी से अपना जो वॉलेट वगैरह गाइस उसे ढूंढता हूँ यार, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक भी तो बाय करना है ना यार। ये देखो भाई यहाँ पर मैं अच्छे से ढूंढ लेता हूँ, कहीं नीचे तो नहीं गिरा यार। अरे यार ये सीट तो मेरी पूरी खाली है यार। अरे भाई मेरा वॉलेट कहाँ चला गया? नहीं 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 गाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा है भाई, ये तो नहीं होना चाहिए था यार। अरे भाई ऊपर की दोनों बर्थ पे भी नहीं है यार। अरे भाई मेरा वॉलेट कहाँ चला गया गाइस? भाई ये तो काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी यार। हाँ तो गाइस अब मैंने अपना जो पूरा केबिन है गाइस इतना ज़्यादा वहाँ पर मैंने ढूंढा, फिर भी मैं मतलब सफल नहीं हुआ अपना वॉलेट खोजने में एंड यहाँ पर गाइस अब मुझे वो मिला नहीं है एंड मैं थक हार कर आके डोर व्यू पर खड़ा हो चुका हूँ। एंड अब मैंने सोच लिया भाई जो आगे में जो भी स्टेशन आएगा मैं वहाँ पर उतर कर जो पुलिस स्टेशन है गाइस वहाँ पर जाऊँगा एंड जो कंप्लेन वगैरह गाइस वो लिखाऊंगा यार, क्योंकि यार भाई ये तो काफ़ी दिक्कत वाली होगी गाइस। मेरा वॉलेट किसी ने लगता है भाई चोरी कर लिया है ऐसा मुझे लग रहा है। और ये जो ट्रेन आ रही है भाई ये देख लो किसी वेबसाइट लोकोमोटिव के साथ में, बट भाई इसका क्या फ़ायदा है, मैं तुम्हें ट्रेन दिखा के क्या ही करूँगा यार। मेरा वॉलेट तो यार गुम हो चुका है एंड मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में हूँ गाइस। अब मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, क्योंकि यार उसमें मतलब मेरे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं गाइस वो थे यार। मनी का तो कोई दिक्कत नहीं है बट भाई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ना गाइस उसमें, उसका हम क्या करेंगे यार। अरे भाई ये तो काफ़ी दिक्कत हो गई गाइस, क्योंकि मेरे इंपॉर्टेंट मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है गाइस वो वहाँ पर उसके वॉलेट में रह गए हैं एंड अब मैं उसे भाई ढूंढ भी नहीं पा रहा हूँ। तो भाई पुलिस स्टेशन पर हम जाएंगे कंप्लेन वगैरह लिखवाएंगे, उससे पहले तुम यहाँ का नज़ारा देखो। ओ भाई भाई इतना अच्छा नज़ारा है, फिर भी गाइस मेरा दिमाग ख़राब हो गया गाइस उस वॉलेट के कारण। देखो यार इतने अच्छे अच्छे नज़ारे मैं मिस कर रहा हूँ यार, मतलब मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा है गाइस देखने में यार। यहाँ पर तुम देख पा रहे हो एक ब्रिज से हवाई ट्रेन गुजर रही है एंड कितना बढ़िया सीन था यार, फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा गाइस क्या ही बोलूँ यार, मैं तो भाई काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में हूँ कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या यार। एंड ये देखो गाइस यहाँ पर लगता है कोई बड़ा सा स्टेशन सामने हमें आने वाला है एंड वहीं पर मैं उतर जाऊंगा यार। वैसे देख लो यार यहाँ पर कोई ICF उत्कृष्ट खड़ी है। ओ भाई ये देखो यार यहाँ पर लगता है यार्ड में इस ट्रेन को लगा के रखा गया है, पता नहीं गाइस क्या सीन होके रखा है। वैसे वो देखो साइड के ट्रैक का जो सिग्नल है वो हो चुका है येलो, तो लगता है भाई सामने से कोई ट्रेन आने वाली है हमें क्रॉस करने वाली है। एक मिनट ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? अरे भाई ये देखो गाइस ये तो ICF उत्कृष्ट ट्रेन है भाई, ये भी चलने लगी यार। वो देखो तुम्हें सामने में धुआं दिखाई दे रहा है भाई, लगता है इसका जो लोकोमोटिव है कोई एल्को लोकोमोटिव है एंड जो कि धुआं मतलब स्मोक का एनिमेशन देखो गाइस इससे पता चल गया है कि मतलब इसने एक्सेलरेट करना चालू कर दिया यार। ये देखो भाई ये हमारे साथ साथ में चल रही है गाइस, अभी जब गाइस हम मतलब इसके साथ साथ में आए थे तब तुमने नोटिस किया होगा कि एकदम खड़ी थी यार एंड बीच में भाई ये चलने लग पड़ी यार। ये देखो भाई ये तो अलग ही सीन है यार एंड यहाँ पर हमारा लोकोमोटिव भी हॉर्न वगैरह बजा रहा है एंड वो देखो गाइस अब तुम्हें देख के पता लग रहा होगा कि ये जो ट्रेन है ये हमारे साथ साथ में चल रही है एंड इसका एक एल्को लोकोमोटिव लगा हुआ है बट वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है भाई कौन सा यार। एंड हमारी ट्रेन का भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो करवा के रखा है क्योंकि यहाँ पर इसे रुकना है, हमारी ट्रेन का स्टॉपेज है यहाँ पर। और ये देखो गाइस यहाँ पर हमारा ट्रैक चेंज हो रहा है एंड हमें लूप लाइन पर शिफ्ट करवाया जा रहा है एंड यहाँ से क्रॉसिंग हो रहा है। ये देखो भाई ओ भाई इस कलर का WDG4 भी तुमने कहीं देखा है? मतलब ये कौन से कलर का यार? ये पूरी मतलब ग्रीन कलर की ट्रेन में इसे कह सकते हो क्योंकि इसके जो वैगन है भाई ये भी पूरे ग्रीन कलर के एंड इसका जो लोकोमोटिव था गाइस वो भी लगभग ग्रीन और ब्लू कलर में था यार। ओ भाई पूरी मैचिंग वाली ट्रेन हो रखी है भाई, ये देख रहे हो गाइस कितना बढ़िया सीन तुम्हें दिखाया भाई, लाइक ज़रूर से दो अपना इसके लिए।
मतलब वो जो लोकोमेटिव था WDG40 गाइस, वो भी ग्रीन और ब्लू कलर की लिवरी में था। एंड भाई ये तो BCNA वैगन्स हैं पूरे ग्रीन कलर के, एंड ये यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं हमें। एंड इसका स्पीड देखो गाइस काफ़ी ज़्यादा अभी स्लो है, क्योंकि अभी अभी लगता है भाई इस स्टेशन से निकली है ये। वैसे गाइस ये स्टेशन कौन सा आ रहा है भाई, अभी तक मैं जान नहीं पाया भाई। एंड यहाँ पर तो भाई अब मैं रुकूंगा गाइस, क्योंकि मुझे जाना है भाई पुलिस स्टेशन यार, क्योंकि मेरे उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं यार, मतलब इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता यार। एंड वो देखो गाइस, वो जो ICF उत्कृष्ट ट्रेन हमारे साथ साथ में चल रही थी, अब वो वहाँ पर रुक चुकी है यार। एंड ये क्या भाई, यहाँ पर एक और लगता है लोकोमोटिव किसी एक्सप्रेस ट्रेन के साथ में वेट कर रही है। हाँ भाई ये देखो यार, WAP1 गाजियाबाद का वाइट कलर की लिवरी में। भाई ये जो लोकोमोटिव है ना गाइस, मतलब एक लेजेंडरी लोकोमोटिव है यार। पहले के टाइम में तुम्हें ये वाला लोकोमोटिव बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता होगा गाइस, मतलब पहले के टाइम में होते ही थे गाइस ये बहुत ज़्यादा। एंड अब तो तुम्हें भाई नहीं देखने को मिलेंगे भाई, वाइट कलर में जो इसका लुक आता था ना गाइस, मैं तुम्हें क्या बताऊँ यार। एंड फिलहाल अभी हमारा अराइवल हो रहा है वलसाड स्टेशन पे। वैसे गाइस वलसाड की बात करें तो ये गुजरात में आता है ना गाइस, जहाँ तक मुझे पता भाई गुजरात में ही आता है। एंड ये देखो गाइस यहाँ पर अब हमारी ट्रेन सक्सेसफुली रुक चुकी है, तो चलो यार अभी अपने कोच से हम नीचे उतर जाते हैं। एंड फिर देखते हैं भाई कि कहाँ पर पुलिस स्टेशन यहाँ पर आसपास है कोई, फिर हम चलेंगे गाइस। हाँ तो गाइस यहाँ पर अभी मुझे यहाँ पर इस ये जो हमारी ट्रेन है गाइस, अब इसका यहाँ पर डिपार्चर होने वाला है, मतलब मुझे यहाँ पर रुकना नहीं था गाइस, बट मैं क्या बताऊँ यार, अब मेरा वॉलेट वगैरह चोरी हो गया तो इसीलिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। एंड ये भी आसपास में पुलिस स्टेशन पड़ेगा गाइस, मैं वहाँ जाकर कंप्लेन लिखवाऊंगा। एंड यहाँ पर अब तुम समझ पा रहे होगे कि हमारी जो ट्रेन है उसको रेड सिग्नल देके क्यों रखा है, पता लग गया ना भाई हमारी लाइन को किसने ब्लॉक करके रखा है, ये जो आ रही ना महाशय इन्होंने ब्लॉक करके रखा है। ये देखो भाई ये है WAP5 लोकोमोटिव है। हाँ गाइस ये देखो यार WAP5 लोकोमोटिव के साथ में यहाँ पर कोई मालगाड़ी है जो कि एकदम थर्ड वाली लूप लाइन पर एंटर कर रही है। एंड इसी के कारण हमारी ट्रेन को अभी तक सिग्नल वगैरह नहीं मिला है, तो जैसे ही हमारा पूरा लाइन क्लियर कर देगी तब हमें सिग्नल वगैरह मिलेगा। वो देखो तुम देख पा रहे हो ना गाइस, यहाँ पर हमारी ट्रेन खड़ी है भाई, उसी ट्रैक से आ रही है। एंड उतने में पीछे से यहाँ पर हमारा ओवरटेक होता है। ओ भाई ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, ये देखो भाई यहाँ पर हमारा ओवरटेक हो रहा है भाई। ये क्या देख लिया मैंने, मतलब ऐसे मिसमैच कॉम्बिनेशन यार, मतलब क्या ही बोलूँ गाइस, मतलब देख के दिमाग खराब हो जाता है यार। मतलब तुमने कभी देखा भाई शताब्दी एक्सप्रेस के साथ में एक WDG40 लोकोमोटिव, एंड वो भी ट्रायंगुलर वाला भाई। ओ भाई क्या ही मिसमैचिंग होके रखी है यार, मतलब शताब्दी को WAP5 WAP4 WAP7 दिया जाता है भाई, यहाँ तो एक गुड्स लोकोमोटिव दे रखा है, मतलब मालगाड़ी को जो खींचता ज़्यादातर WDG40, एंड वो भी ट्राई का लगा यार। अरे भाई ये क्या सीन था गाइस पता नहीं। एंड यहाँ पर तो गाइस अब देखते हैं भाई कब तक टाइम मिलता है हमारी ट्रेन को। हाँ तो गाइस यहाँ पर टाइम तो हो चुका है हमारी ट्रेन का डिपार्चर का, बट जो सिग्नल है गाइस वो भी अब पूरी तरीके से मिल चुका है, क्योंकि वो जो मालगाड़ी थी गाइस अब वो हमारे ट्रैक से पूरी तरीके से हट चुकी है यार। एंड अगर मेरा वॉलेट चोरी ना हुआ था ना गाइस, तो अभी मैं इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा होता, मतलब अभी मैं वलसाड से निकल रहा होता भाई, उस हम अच्छे से व्लॉगिंग कर रहे होते। पर देखो यार हमारा वॉलेट चोरी हो गया, एंड अब मुझे मजबूरी बस भाई इस ट्रेन से नीचे उतर कर जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन यार, मतलब मेरी जर्नी थी गाइस मुंबई तक, अब मैं क्या बताऊँ यार। एंड अब तो भाई मुझे यहीं पर उतर कर जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन पर कंप्लेन लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे आइडिया है गाइस मेरा वॉलेट भाई इसी सेक्शन में चोरी हुआ यार, तो अगर मैं यहाँ पर कंप्लेन लिखवाऊंगा तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड ये देखो गाइस वो जो एलएसबी ट्रेन थी गाइस हमारी, वो पूरी तरीके से जा चुकी है। एंड अब चलते हैं बाहर में, एंड देखते हैं भाई कोई व्हीकल वगैरह जो कि हमें पुलिस स्टेशन तक ले चले। हाँ तो गाइस यहाँ पर मैं बाहर में आ चुका हूँ, एंड यहाँ पर अभी तो मुझे कोई व्हीकल वगैरह दिखाई नहीं दे रही है, कोई ट्रांसपोर्टेड ट्रेन का साधन वगैरह, पर चिंता ना करो भाई अच्छे खासा सिटी है गाइस मिल जाएगा यार। तो देखते हैं भाई कब तक हमारी किस्मत चमकती है एंड हमें कोई पिकअप करने के लिए आता है। हाँ तो गाइस यहाँ पर पिकअप करने के लिए नहीं, मतलब आए थे बट वो सीन में तो मैं दिखा नहीं पाया था यार, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा लोग थे एंड वहाँ पर सभी को जल्दी हो रही थी कि भाई मैं पहले चढ़ूँ मैच पहले चढ़ूँ, अगर मैं उसी में भाई ब्लॉगिंग करता तब तो भाई मैं सबसे पीछे रह जाता ना गाइस, इसीलिए मैं डायरेक्ट आकर अपनी वैन में बैठ चुका हूँ। एंड अब जो ब्लॉगिंग वगैरह गाइस वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर अब हम आ चुके हैं पुलिस स्टेशन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज। अरे भाई क्या कर रहे हैं भाई हमारे वैन वाले भैया, मतलब ओ भाई आराम से यार, देखो भाई मुझे कहीं ठोक मत देना यार, एक तो आगे बैठा हूँ यार, ऊपर से पता लगे भाई तुम ठोक वोक दो यार। ये देखो गाइस बस भैया यहीं पर रोक दो यार, लगता है यही पुलिस स्टेशन है गाइस।
हाँ यार यही पुलिस स्टेशन है, तो मैं यहाँ पर इनसे बोलता हूँ भाई रुकवाने के लिए। ओ भाई रुको यार, कहाँ लेके जा रहे हो यार। हाँ तो गाइस चलिए अब हम यहाँ से नीचे उतर जाते हैं एंड फिर जो कंप्लेन वगैरह वो लिखवाते हैं। वैसे वैन देखो यार, हमारी ब्लू कलर की वैन है। ओ भाई देखा यार, ब्लू कलर की वैन क्या ही शानदार दिख रही है हमारी। तो चलो गाइस अभी हम पुलिस स्टेशन के अंदर में चलते हैं। वो देखो भाई सामने में लिखा हुआ है ना पुलिस, तो गाइस वहाँ पर मैंने कंप्लेन वगैरह तो लिखवा दी है एंड उन्होंने कहा है भाई आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपको अगर पर्स वगैरह मतलब वॉलेट वगैरह मिल जाएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मैंने भी कहा ठीक है भाई एंड अभी हम आ चुके हैं बाहर एंड देखते हैं भाई। हाँ तो गाइस यहाँ पर एक और वैन अब हमें पिकअप करने के लिए आई है जो कि हमें स्टेशन की ओर लेकर जाएगी। देखना पड़ेगा भाई ये कौन सी वैन है। ओ भाई इस बार तो ग्रीन कलर की है भाई, मतलब पहले जो हमें छोड़ने के गई थी गाइस वो एक ब्लू कलर की थी भाई एंड अब ये मतलब स्काई ब्लू तुम उसे कह सकते हो एंड ये वाली जो वैन है गाइस ये ग्रीन कलर की है, तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पर मैं आकर बैठ चुका हूँ भाई अपनी वैन में एंड चलो भैया यार दिखा दो अपनी वैन की पावर। ओ भाई देख के भाई सामने में कोई चल रहा था गाइस एंड ये देखो गाइस सक्सेसफुली ये वैन हमारी निकाल रहे हैं एंड सामने में लगता है होटल वगैरह है भाई। हाँ गाइस सामने में होटल वगैरह है, खैर होटल से तो हमें कुछ काम नहीं है एंड ये कैसे वैन चला रहे हैं भाई, मेरा तो सर घूम जाएगा गाइस। ओ भाई वो देखो गाइस होटल वगैरह पे है, अगर आपको भूख लगी है तो भाई खा लो यार, वैसे तो मुझे खाना है नहीं। एंड गाइस मैं आपको बताना भूल गया भाई, हमारे साइड साइड में गाइस कोई ट्रैक्स है एंड वहाँ से ये देखो भाई यहाँ से ट्रेन भी गुजर रही है, एक BCNA वैगन वाली ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। ओ भाई कितना बढ़िया सीन है, रुको मैं तुम्हें बाहर से दिखाता हूँ गाइस। ये देखो गाइस कितना बढ़िया सीन है, यहाँ पर मैं जो कैमरा एंगल है गाइस वो सेट कर लेता हूँ अपना। ये देखो भाई ये देखो यार कितना बढ़िया सीन है गाइस, मतलब हमारी ट्रेन इसके हमारी जो वैन है गाइस इसके अपोजिट साइड वाली डायरेक्शन में जा रही है। ये देखो भाई ये BCNA वैगन है जो कि एक EMD लोकोमोटिव के साथ में थे। ये देखो गाइस यहाँ पर गार्ड जी तो निकले नहीं यार, गार्ड जी लगता है आराम कर रहे हैं गाइस, तो कोई बात नहीं यार। एंड अब देखते हैं भाई कब तक हमें ये पहुँचाते हैं रेलवे स्टेशन तक, वलसाड स्टेशन तक। एंड ये देखो भाई कितना बढ़िया सीन है गाइस, ब्रिज देखा यार, मतलब हमारे रोड के ऊपर भी ब्रिज था एंड उस ट्रैक के ऊपर भी ब्रिज था यार, एकदम बढ़िया सीन था गाइस। एंड यहाँ पर ये देखो भाई कुछ ऑटो रिक्शा भी हैं यहाँ पर, खैर मैं ऑटो रिक्शा में जाता तब तो गाइस तुम्हें पता है ना भाई ऑटो रिक्शा वाले कितना ज़्यादा रोकते हैं भाई, मतलब जहाँ पर भी उनको कोई दिखा भाई उन्होंने रोक दिया यार, इसीलिए मैंने वैन को प्रेफर किया है। एंड यहाँ पर एक और ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा था हमारे साइड में, किसी एक और मालगाड़ी। ओ भाई इससे पहले भाई एक मालगाड़ी गई थी गाइस, आप लोगों ने नोटिस किया था कि नहीं यार। हाँ भाई इससे पहले भी एक मालगाड़ी गई थी एंड यहाँ पर एक और मालगाड़ी के साथ में हमारा क्रॉसिंग छिड़ जाता है। ये देखो भाई ये ब्रिज वाला नज़ारा देखो भाई, इसी के लिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ यार, देखा मतलब वो ब्रिज से गुजर रही थी एंड हम भी ब्रिज से गुजर रहे थे यार, तो ऐसे ऐसे सीन जहाँ पर दिख जाए ना मतलब तुम बहुत लकी हो भाई, सोच लो यार। एंड ये देखो गाइस यही ब्रिज की मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले, ऐसा और पड़ा था पीछे, वहाँ से वैन और जो मालगाड़ी गाइस वो क्रॉस कर रही थी एंड अभी तो यहाँ पर एक और क्रॉसिंग हो रहा है किसी EMD लोकोमोटिव के साथ में, ऐसे ट्रेन का। ओ भाई ये हॉर्न कौन बजा रहा है भाई, भाई ये हॉर्न कौन बजा यार। गाइस आप लोगों को हॉर्न साउंड आया कि नहीं यार, होपफुली इसी ट्रेन के लोकोमोटिव ने बजाया होगा। ये देखो भाई एक और बार बजा दिया यार, अरे भाई मतलब देख रहे हो गाइस इतनी दूर तक हमें हॉर्न साउंड आ रहा है यार, EMD तभी तो भाई तुम्हें मॉन्स्टर माना जाता है यार, मतलब तुम्हारा हॉर्न साउंड इतनी दूर तक आ रहा है यार, ये तो काफ़ी अच्छी बात है यार। एंड यहाँ पर एक और ब्रिज के नीचे से हम सॉरी यार ऊपर से हम गुजर रहे हैं एंड एक और ट्रेन हमारे साथ क्रॉस कर रही है। ओ भाई यार तो मेरा दिन बन गया यार, ये देखो यार एक और मालगाड़ी यहाँ से गुजर रही है भाई यार। गाइस मतलब कितनी ज़्यादा क्रॉसिंग मैंने तुम्हें दिखा दी यार, मतलब इसके लिए लाइक बनता है कि नहीं यार, आप लोग ज़रूर से लाइक ठोक देना। ये देखो भाई यहाँ पर एक और मालगाड़ी के साथ में हमारा क्रॉसिंग हो रहा होता है एंड ऐसा नहीं कि भाई मैं ट्रेन में बैठा हूँ तुम्हें क्रॉसिंग दिखा रहा हूँ, भाई मैं वैन में हूँ यार, तो सोचो भाई यहाँ पर कितनी ढेर सारी इस ट्रैक पर तुम्हें क्रॉसिंग वगैरह देखने को मिली यार, लगता है काफ़ी बिजी सेक्शन है गाइस, क्योंकि तुम देख पा रहे हो सिंगल लाइन है यार एंड सिंगल लाइन तुम्हें यहाँ पर डीजल सेक्शन देखने को मिल जाएगा इस एरिया में। हाँ तो गाइस अब तुम देख के हंसना मत भाई, बिल्कुल मत हंसना, अगर तुम हंसोगे तो देख लो भाई तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा गाइस, मतलब देख रहे हो यार मतलब मैं कहाँ फर्स्ट क्लास AC में जर्नी कर रहा था एंड मेरा वॉलेट गुम होने के कारण ना ही मैं टिकट विकट बाय कर पा रहा हूँ ना ही कुछ बाय कर पा रहा हूँ गाइस, जिसके कारण अब मेरी गार्ड जी से बात हुई है एंड मैं उनके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ उस मालगाड़ी में यार,
अरे भाई मेरे क्या ही दिन आ गए गाइस। ये देखो यार, मतलब मेरे पास वॉलेट नहीं है, जिसके कारण अब मुझे इस मालगाड़ी के जो गार्ड होते हैं गाइस उनके साथ में ट्रैवल करना पड़ रहा है। एंड अभी आप लोग देख लो गाइस मेरी क्या हालात होके रखी है। एंड वलसाड स्टेशन को अब हम स्किप करने वाले हैं, क्योंकि गाइस ये जो मालगाड़ी गाइस ये आउटर में खड़ी थी एंड तभी मैं इस पर आकर बैठ गया था। एंड अब तुम देख पा रहे हो गाइस ना ही मेरे पास पैसे ना ही कुछ हैं, बट ये जो गार्ड जी ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। मतलब मैंने इनसे बोला कि मेरे पास ना ही पैसे हैं एंड मेरा वॉलेट वगैरह भी चोरी हो चुका है, तो ये मेरी बात एकदम अच्छे से समझ गए एंड इन्होंने मुझे बैठा लिया अपने साथ। एंड गाइस अब देखते हैं भाई ये जो मालगाड़ी कब तक हमें हमारा जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचाती है। एंड ये देखो गाइस यहाँ पर एक क्रॉसिंग भी चल रहा है, लगता है भाई ये आईसीआर ट्रेन स्किप करने वाली है बरसात को यार। ओ भाई इतना बड़ा स्टेशन है फिर भी स्किप कर रही है यार, काफ़ी अच्छी खासी प्रायोरिटी वाली ट्रेन होगी यार। खैर आप लोग वो छोड़ो यार, मेरे साथ यहाँ पर क्या हालत होके रखी है तुम देख सकते हो गाइस। मतलब कहाँ पर हम फर्स्ट क्लास एसी में जर्नी कर रहे थे यार। एंड अब देखो गाइस जब मनी ना हो तो भाई क्या क्या हो जाता है भाई अपने पास। देखा गाइस मतलब कितना बढ़िया एकदम अच्छे क्लास खासे हम फर्स्ट क्लास में जर्नी कर रहे थे एंड अभी हमारी सिचुएशन क्या होके रखी है। मतलब अब देखो गाइस कितना ज़्यादा यहाँ पर धूप में मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा है। एंड ये देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन चल रहा होता है किसी मालगाड़ी का। भाई जो भी को यार इस सेक्शन में तुम्हें मालगाड़ी कितनी जाने दिखा दी भाई, बहुत ही ज़्यादा दिखा दी। एंड हमारी भी एक मालगाड़ी है, तो मालगाड़ी अपनी बहनों बहन से क्रॉसिंग कर रही है, तुम बोल सकते हो ऐसा, दोनों बहनें बहनें होंगी गाइस। देखो यार एक क्रॉस कर रही है एंड एक पे तो भाई हम ट्रैवल कर ही रहे हैं। तो ठीक है गाइस आज की वीडियो तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से बताना। एंड अगर आप यहाँ पर पहली बार एंट्री मारे हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर से फॉलो कर लेना। एंड मैं बोल रहा था ना भाई नया रूप लाने वाला तुम्हारे लिए ले आया ना भाई, एकदम हाई ग्राफिक्स है, तो होपफुली तुम्हें पसंद आया होगा इस पर आज की जर्नी। एंड इंस्टाग्राम पर आ जाओ भाई, वहाँ पर मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ।